भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बकरीद के मौके पर आपसी रंजिश का बड़ा मामला सामने आया है। इटावा में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी की गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। मामला इटावा के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला गाड़ीपुरा का है, जहां बकरीद की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। एक पक्ष से पिता पुत्रों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट और फायरिंग की सूचना पर स्थल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हमला करने वाले पक्ष के एक युवक को हिरासत में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुरानी रंजिश थी, मेरे पापा की उंगली काटी, कोई दुश्मनी नहीं था, बस इसी वजह से झगड़ा हुआ। छोटा भाई सब्जी लेने जा रहा था मंडी से, उसको फिर पुलिस आई थी। पुलिस नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। कोई पकड़ा गया उधर की तरफ से? उधर की तरफ से कोई नहीं पकड़ा गया। तोता केवल अपने आप ही, तोता अपने आप ही लेके आ पाऊ रोड में मिला तो जबरदस्ती टर्री पर बिठा ला, वो भी नहीं आ रहा था। मतलब मारने वाले भाग गए? मारने वाले भाग गए, जाइए बचा था तो इसको जल्दी से। डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सैफई रेफर कर दिया। ये थाना कोतवाली घटना है जिसमें चार लोग घायल अवस्था में आए हैं। मारपीट का मामला बताया गया है। चारों का मेडिकल परीक्षा करने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और चारों को हालत को देखते हुए उन्हें सैफई रेफर कर दिया गया। किस तरह की चोटें आई हैं, क्या कोई धारणा है? चारों के सर पे चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। कोतवाल विक्रम सिंह ने बताया, दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ है जिसमें फायरिंग भी हुई है। मामले की जांच की जा रही है और एक पक्ष के घायलों से चार लोगों को चोट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, इटावा।